नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर आप अपने आप को अंधेरे में 10 मिनट तक आईने में देखते रहें तो? क्या आपको पता है कि ये कोई शहर नहीं, एक कब्रिस्तान है? और क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ फोर्थ डिमेंशन में एग्जिस्ट कर सकता है? ऐसे ही कुछ फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 9। गाइस, क्या आपको पता है कि जो स्नो आउल्स होते हैं ना, वो जमीन से सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर की हाइट पर भी उड़ सकते हैं? मतलब कि ये स्नो आउल्स जमीन से इतना नीचे उड़ते हैं जैसे मानो कि ये जमीन पर उड़ ना रहे हों, बल्कि स्लाइड कर रहे हों। और ऐसा नहीं कि झपट्टा मारकर वापस ऊपर उड़ने चले जाएं जैसा कि ईगल्स करते हैं। स्नो आउल्स सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर की हाइट पर उड़ सकते हैं और वो इस हाइट को मेंटेन भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। गाइज, जानते हो एक मछली है जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन फिश, और वो बिल्कुल एक मूवी के एलियन की तरह दिखती है। ये देखो, ये लेफ्ट वाले पिक्चर में एक एलियन है और राइट वाले पिक्चर में वो ब्लैक ड्रैगन फिश। फैक्ट नंबर 7। गाइज, आप इस रिंग को देखो, ये रिंग बहुत ही खास है। ये रिंग इतना ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है, और वो तीन चीज़ हैं गोल्ड, मेटियोराइट और डायनासोर बोन। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, और ये रिंग्स के रेयरेस्ट फॉर्म्स में से एक है। फैक्ट नंबर 6। गाइज, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का जो सबसे जहरीला जहर है ना, मतलब जहर तो जहरीला होता ही है, आप कह सकते हो खतरनाक, तो इस दुनिया का जो सबसे खतरनाक जहर है ना, वो है बोटॉक्स जहर। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसका सिर्फ 4 या 5 ग्राम ही पूरी मानव जाति को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। मतलब अगर ये जहर किसी के पास 4 या 5 ग्राम भी है ना, तो वो इस धरती के पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को मार सकता है। फैक्ट नंबर 5। गाइज, आप इस बोतल को देखो, इस बोतल का नाम है क्लीन बोतल, और ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ फोर्थ डिमेंशन में एग्जिस्ट कर सकता है। फोर्थ डिमेंशन में इसका ये जो नेक है ना, उसके बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है बिना उसके बॉडी को टच किए। और वैसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो गाइज, अब तक हमारे साइंटिस्ट धरती पर या कहीं भी स्पेस में ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस यूनिवर्स में फोर्थ डिमेंशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फैक्ट नंबर 4। गाइज, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी लैंड व्हीकल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा और सबसे भारी लैंड व्हीकल जो है, वो है बैजर 288, और वो ये है। गाइज, ये है बैजर 288, और इसको एक जर्मन कंपनी थाइसेन क्रूप ने बनाया था 1978 में। और इसके डायमेंशंस हैं 220x46x96 मीटर, और बैजर 288 का जो वेट है वो है 13,500 टन, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इतने ज़्यादा भारी वेट के कारण इसका जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, जो करीब 2 मीटर से 10 मीटर पर मिनट ही है। बैजर 288 को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने में 5 साल लग गए, और 5 साल लगे उसको असेंबल करने में, तो कुल मिला के 10 साल लग गए इस मशीन को बनने में। बैजर 288 को बनाने में $100 मिलियन का खर्चा आया था, वो भी 1978 में। फैक्ट नंबर 3। गाइज, क्या आपने कभी रूबिक क्यूब सॉल्व किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छे, क्योंकि मैं तो आज तक नहीं कर पाया। तो चलिए आज मैं आपको रूबिक क्यूब का एक फैक्ट बताता हूँ। गाइज, क्या आपको पता है कि रूबिक्स क्यूब हमेशा 20 या उससे कम स्टेप दूर होता है सॉल्व होने से? मतलब अगर सही डायरेक्शन में उसे घुमाया जाए तो 20 या उससे कम स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसके इतने पॉसिबल पोजीशंस होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फैक्ट नंबर 2। गाइज, आप इस फोटो को देखो, ये कोई गली मोहल्ला या फिर शहर नहीं है, ये इराक की एक कब्रिस्तान है, और ये करीब 1500 एकड़ में फैली हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कब्रिस्तान के नीचे करीब 5 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडीज को दफनाया गया है। फैक्ट नंबर 1। गाइज, जानते हो हमारा जो ये दिमाग है ना, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अरे नहीं, फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि अगर आप हल्की सी रोशनी वाले जगह पर, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर रोशनी बहुत कम हो पर पूरा अंधेरा ना हो, ऐसी जगह पर आप अपने चेहरे को आईने में देखोगे तो लगभग 10 से 15 मिनट बाद आपको अजीब भूत और मॉन्स्टर जैसे चेहरे दिखने लग जाएंगे।
जो ऑफ कोर्स रियल नहीं होगा, आपका ब्रेन ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा होता है क्योंकि वो बहुत बोर हो गया है एक ही चीज़ को बार बार देखकर। वैसे मैंने तो ये कभी ट्राई नहीं किया, क्या आप कभी ये ट्राई करना चाहोगे? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज बस आज के फैक्ट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देख सकते हो यहाँ आई बटन और सजेशंस पर क्लिक करके। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।